प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6, राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। दिख रहा है? मस्त क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। वक्त की नजाकत को समझो और क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो। क्या बोलता है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। जब मैं कहता हूं 31 मार्च 2020 मेरा क्लोजिंग है तो इसका मतलब 2019-20 मेरा कौन सा ईयर माना जाएगा? करंट ईयर। कौन सा ईयर? करंट ईयर। समझा बेटा? करंट ईयर। पक्का है बेटा? नाउ पूरी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और नीचे एडजस्टमेंट्स को बढ़ो। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग कैपिटल फंड, 10% इन्वेस्टमेंट कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में क्लियरली किया है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिया होगा, आपको कैपिटल बैलेंस फंड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 1900 एंड बिल्डिंग। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इक्विपमेंट के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर, देखो यहाँ पर भी बिल्डिंग दिख रहा है, इक्विपमेंट दिख रहा है, इसका मतलब इसको करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? जब आप इक्विपमेंट करोगे, इक्विपमेंट तो इक्विपमेंट के अंदर आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस, परचेज दिया तो परचेज प्लस करने का, सेल माइनस, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज करने के बाद डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा सर? माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? इक्विपमेंट इस तरीके से सॉल्व करोगे आप। उसी तरीके से जब आप बिल्डिंग सॉल्व करोगे, बिल्डिंग तो बिल्डिंग सॉल्व करोगे तो वहां पर भी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपको दिया रहेगा प्लस परचेस माइनस डेप्रिसिएशन। सम इस तरीके से सॉल्व करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है सर? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इक्विपमेंट जगह जगह पर आ रहा है। इक्विपमेंट कहाँ आ रहा है? बार बार आ रहा है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस परचेस है तो प्लस करो, सेल है तो माइनस, डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं मार्किंग की तरफ। सबसे पहले जो साल आपको दिया उसको लिख डालो, 31 मार्च 2020, और यहाँ पर भी 31 मार्च 2020। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन कहां पर आएगा सर? इनकम। डोनेशन भी किधर आएगा? इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो इनकम। क्लियर है? कम टू द मेडिसिन वाला पार्ट। मेडिसिन परचेस एक्सपेंडिचर जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर सैलरी स्टेशनरी एक्सपेंसेस सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, सब एक्सपेंडिचर है। इक्विपमेंट आपका असेट, बैलेंस क्रेडिट डाउन के अंदर कैश इन एंड कैश एट बैंक भी असेट। क्लियर है? मार्किंग किया इनकम वाला इनकम में, एक्सपेंडिचर वाला एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट वाला आइटम बैलेंस शीट में, असेट है तो असेट, लाइबिलिटी है तो। अब नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया, ये इंफॉर्मेशन देख के ही आधे लोग टेंशन में आ जाते, सर ये क्या आ गया? बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो दिख रहा है 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020, तो ये तारीख और ये तारीख दोनों सेम है, तो ये अपना इस साल का क्या है? क्लोजिंग। सर इस साल का क्लोजिंग है तो ये वाला क्या रहेगा सर? ओपनिंग। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, ये मेरा करंट ईयर है तो ये मेरा कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर है। समझा रहे बेटा? ये मेरा कौन सा ईयर है और ये मेरा क्या है? करंट ईयर। और ये मेरा ओपनिंग है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। मतलब जहां पे ओपनिंग बोलेगा वो ओपनिंग के हिसाब से सोचो, जहां पे क्लोजिंग बोला वहां पे क्लोजिंग के हिसाब से सोचो, जहां पे लास्ट ईयर बोला वो लास्ट ईयर के हिसाब से सोचो,
जहां पे करंट ईयर बोला वहां पे करंट ईयर के बारे में सोचो, क्लियर है? फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू, सर ड्यू को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते बेटा मुझे एक बात बता, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है? करंट ईयर का प्लस, करंट ईयर का प्लस, करंट ईयर का प्लस, लास्ट ईयर का माइनस, करंट ईयर का प्लस, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का प्लस, लास्ट ईयर का माइनस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस करंट ईयर का माइनस, लास्ट ईयर का प्लस, करंट ईयर का माइनस, लास्ट ईयर का प्लस, करंट ईयर का माइनस, लास्ट ईयर का प्लस, ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अब ये दो स्टॉक है, एक आपका ओपनिंग स्टॉक, एक है आपका क्लोजिंग स्टॉक। किसके बारे में बोला है बेटा? मेडिसिन के बारे में बोला। तो क्या करने का? मेडिसिन में जाओ और लिख दो। क्या लिखोगे सर? टू मेडिसिन। क्या लिखोगे? मेडिसिन। याद है हम लोगों ने बाबू सोना वाला एग्जाम्पल किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद आया? वैसा वाला कुछ है, ठीक है। उसके बाद तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा क्लोजिंग स्टॉक। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का वैल्यू दिया है, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया, तो ओपनिंग को ओपनिंग में लिखोगे, बिल्डिंग ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया नहीं है, कैपिटल फंड ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया नहीं है, और इन्वेस्टमेंट ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सम को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, लाइन से सम सॉल्व करते हैं। देखो जरा, पहले नीचे दिए गए आइटम्स, ऊपर दिए गए आइटम्स को जरा समझो। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन है, दोनों आइटम क्या है? तो सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम में आता है, किधर आता है? तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना सर? 52,000। कितना? इनर कॉलम। डोनेशन नेक्स्ट क्या दिया है? 17,500 बाय डोनेशन, कितना है बेटा? 17,500। नेक्स्ट बोल, इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट 10,000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाउ मच? नेक्स्ट बोल, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 8530 बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, क्लियर है? 8530 पक्का है बेटा? इधर अलग खत्म, नाउ इधर मेडिसिन परचेस 41,000, मेडिसिन परचेस कितना बोला है? परचेस के यहां पे लिखोगे। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस कितना रे बेटा? 1050। नेक्स्ट बोल सैलरीज, टू सैलरीज कितना रे बेटा? 23,500। नेक्स्ट बोल स्टेशनरी 2,000, टू स्टेशनरी हाउ मच? नेक्स्ट बोल एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो कितना? 550। नेक्स्ट बोल इक्विपमेंट, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस 4,200, ठीक है। फिर इक्विपमेंट 10,000, ये जो इक्विपमेंट दिया वो आपका परचेज ऑफ इक्विपमेंट है, क्या है सर? परचेज ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में दिया है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने क्लियर किया कि जो रिसिप्ट में आएगा उसका मतलब हमने पेमेंट बेचा, पेमेंट में दिया मतलब हमने उसको खरीदा, तो खरीदा तो क्या आएगा? परचेस। आगे बोल बैलेंस कैरी डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक 960 और 13,000, सो
कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक। इन हैंड 960, 13,000। कोई दिक्कत है करे बेटा? श्योर कॉन्फिडेंस है क्या? वो जरा को डाउट है क्या? पक्का? सबसे पहले हमने क्या किया? पोस्टिंग। सबसे पहले हमने क्या किया? पोस्टिंग। ऊपर दिया गया रिसीप्ट पेमेंट को हमने सबसे पहले क्या किया? पोस्टिंग। क्लियर है ना? एडजस्टमेंट पहला क्या दिया है? ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। मैंने क्लियर ही बताया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा प्लस लास्ट ईयर का। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, तो लिखो एड आउटस्टैंडिंग है ना, कौन सी ईयर का? करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग, कौन सी ईयर का? लास्ट ईयर का। समझा रहे बेटा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 350 और लास्ट ईयर का कितना है? 310। करंट ईयर का 350, लास्ट ईयर का 310। जरा प्लस माइनस कर, 52,350 है ना, और 52,040। अरे क्लियर है क्या रे बेटा? आउटस्टैंडिंग यहाँ का क्या कर दिया? प्लस है ना, और यहाँ का क्या कर दिया? माइनस। प्रॉब्लम है क्या? आउटस्टैंडिंग का समझा, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? लाइबिलिटी असेट साइड। कहाँ आएगा सर? असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सर सिर्फ कौन सी ईयर का आएगा? करंट ईयर का। लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर में आएगा। इस साल का? इस साल में आएगा। अगर आपको सेकेंड इफेक्ट डालने नहीं आता है तो आप क्या करो? लाइफलाइन फॉलो करो, डेबिट क्रेडिट असेट लाइबिलिटी माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या किया? क्रेडिट में प्लस किया, आउटस्टैंडिंग प्लस किया, तो सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा असेट। मैंने यहां पर क्या किया? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट डाला। किसका? करंट ईयर क्या था मेरा? 350 ना, मैंने खाली इसका सेकेंड इफेक्ट डाला है। अरे है ना, 310 को हाथ भी नहीं लगाया, याद रखो उतना। फिर आ जाओ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, लास्ट ईयर का भी और करंट ईयर का भी है, लास्ट ईयर का भी और करंट ईयर का भी है, तो क्या लिखोगे? एडवांस कौन सी ईयर का सर? करंट ईयर। और एडवांस कौन सी ईयर का? लास्ट ईयर। सो करंट ईयर का एडवांस क्या है बेटा? 150 और लास्ट ईयर का कितना है? 600। यहाँ करंट ईयर का 150, लास्ट ईयर का 600। तो पहले 150 माइनस कर, करंट ईयर का 150 है, देखो सर यहाँ पे करंट ईयर का क्या है और लास्ट ईयर का कितना है? 600। चलो 52,040 में से 150 गया, 51,960, 51,990 देखो आ रहा है क्या? अरे जीरो में जीरो का 14 में 5 गया 9, फिर इधर बचेगा हाँ 9 माइनस 890, 890 पक्का। अब 890 प्लस 600 ऐड करो, 52,490। सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर का आएगा कि लास्ट ईयर का आएगा? करंट ईयर का। सेकेंड इफेक्ट किसका आएगा? करंट ईयर का। कहां पर? माइनस किया है सर, क्रेडिट साइड में क्या किया है? माइनस। तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हाउ मच? 150। अरे समझ में आ रहा है बात? वो जो बॉक्स दिया है उसके अंदर आउटस्टैंडिंग भी दिया और एडवांस। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होएगा? प्लस। प्रीपेड क्या होएगा? माइनस। प्रीपेड मतलब एडवांस। तो करंट ईयर का ऐड हो रहा है तो पिछले साल का क्या होएगा? लेस। और प्रीपेड यानी एडवांस करंट ईयर में माइनस होता है तो पिछले साल का क्या होएगा? प्लस। तो हमने वही चीजें यहाँ पर क्या की है? एडजस्ट। और जो सेकेंड इफेक्ट डाला है वो कौन सी ईयर का डाला है? करंट ईयर का। किसका डाला है?
क्रेडिट साइड में आप प्लस कर रहे हो तो सेकंड इफेक्ट असेट में, क्रेडिट साइड में आप माइनस कर तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में, लाइबिलिटी। समझा? फिर आ जाओ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक में कितना लिखोगे? 8,000। क्लोजिंग स्टॉक में कितना लिखोगे? 11,000। ओपनिंग स्टॉक कितना? 8,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना? तो 8 + 41 = 49। 49 में से 11 गया तो बचा क्या? 38। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट आता है, बट क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं? दो। एक तो आपने माइनस किया, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन बोला। ऑफ मेडिसिन हाउ मच? 11,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। प्रॉब्लम है क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ओपनिंग स्टॉक प्लस, क्लोजिंग स्टॉक। ये जितने भी लास्ट ईयर दिख रहा है मालूम है इसका कितना इफेक्ट आ रहा है, बट जितना भी करंट ईयर या क्लोजिंग उसके कितने इफेक्ट आ रहा है? दो। ये याद रखना। फिर आ जाओ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ओपनिंग कितना दिया है? ओपनिंग का 15,000, ओपनिंग बैलेंस 15,000। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40। ओपनिंग बैलेंस 40,000। नेक्स्ट बोल, कैपिटल फंड 1,70,940। 1,70,940 क्या है सर? आपका कैपिटल फंड है, पक्का? उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट 1,00,000, 10% मुझे बताओ 1,00,000 रुपए दिया है, 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000 होता है। 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। क्वेश्चन में चेक कर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया है 10,000, यानी हमको ऑलरेडी 10,000 मिल चुका है, तो उसका सेकंड इफेक्ट आने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग 10,000 है तो क्लोजिंग भी कितना रहेगा? 10,000। ओपनिंग 10,000 है तो क्लोजिंग भी कितना रहेगा? 10,000 है। क्लियर है? और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? लास्ट की लाइन, डेप्रिसिएशन इन इक्विपमेंट 1,900, बिल्डिंग 1,500। इक्विपमेंट का कितना बोला है सर? 1,900, और बिल्डिंग का कितना बोला है? 1,500। अरे बोला है कि नहीं बोला है? डेप्रिसिएशन। क्या बोला है? डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां पर आता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या लिखोगे? टू डेप्रिसिएशन। पहला नाम इक्विपमेंट और दूसरा नाम बिल्डिंग। इक्विपमेंट कितना? 1,900, बिल्डिंग 1,500। टेक द टोटल। ठीक है, अभी सबको क्लियर करने के लिए टोटल करो, 15 और 10 कितना होता है? 25। 25 में से गया तो 23,100। परचेस यहाँ पर दिया नहीं है तो 40 का 40 ही आएगा, 40 में से गया तो कितना का? 38,500। मतलब अपन ने क्या निकाल दिया? क्लोजिंग निकाला। क्या निकाला? क्लोजिंग। ठीक है, और कुछ दिया क्या रे बेटा? सब कुछ खत्म। अब क्या करना है? ओपनिंग दिया तो ओपनिंग का एक इफेक्ट आया, ओपनिंग दिया तो ओपनिंग का एक इफेक्ट। क्लोजिंग करते समय डेप्रिसिएशन आ सकता है, वैल्यू बढ़ सकता है, वैल्यू कम हो सकता है, तो बढ़ गया तो प्रॉफिट, कम हो गया तो लॉस। ठीक है, डेप्रिसिएशन आया तो माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग दिया तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? प्लस। पिछले साल का माइनस, करंट ईयर का क्या होगा? एडवांस माइनस, तो पिछले साल का क्या होगा? प्लस। ये सारी चीजें याद रखनी है। इतना होने के बाद यू हैव टू जस्ट टेक द टोटल। जरा क्रेडिट साइड का टोटल मारो, जरा कितना होता है क्रेडिट साइड का टोटल? 88। सेम टोटल आपको यहां लिखना है, 88,520।
ठीक है, उसमें से डेबिट का सब टोटल करो। आपको करना क्या है सर, डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो। तो सर क्रेडिट का टोटल आ गया 88,520, डेबिट का टोटल बोल 72। सर चेक कर बराबर आ रहा 0,0,0, 5, 5 + 5, 10, कैरी 1, 8, 8 + 5, 13, 13 + 2, 15, 15 + 4। चेक कर रहे भाई टोटल, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, टोटल में गड़बड़ लग रही है सी मेरे को। एटी एट बराबर है ना, 38 + 2, 38 + 2, 40, 40 + 23, 63, 63, 64, 550, 64, 550, 64, 550, और ये 4, 2, 7, 7, 600, 7,600, 550, से लगा 1, 6, 6, 12, 6, 5, 17, 1, 5, 12, 72,700 आ रहा है। सर क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट बड़ा है, तो 88, तो इसका मतलब डेबिट साइड छोटा है, तो 72,700 माइनस कर, 0 आया, 2 आया, सिर्फ 15 में से 7 गया 8, 7 में 2 गया 5, 15,820, ठीक है। जैसे आपने टोटल किया, आपको ये सब कुछ को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, या सब रफ में करो, दोनों में से एक, बड़े में से छोटा टोटल क्या करने का सर, माइनस। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे सर, सरप्लस, क्या बोलेंगे इस सरप्लस को, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम बड़ा है और एक्सपेंस छोटा है। अब 15,820 सरप्लस है, 15,820, टेक द टोटल 760, टेक द टोटल, टोटल करोगे 86,910, एसेट का देखो, अगर आपका ये टैली हो गया मतलब टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डिफिकल्टी है क्या, इस तरीके के सम को सॉल्व करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला पोस्टिंग आना चाहिए, दूसरा आपको क्वेश्चन में इतना पता होना चाहिए सर आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं कि माइनस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, करंट ईयर का प्लस तो लास्ट ईयर का, और प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस, एडवांस करंट ईयर का क्या होता है माइनस, करंट ईयर का क्या होता है माइनस, तो लास्ट ईयर का क्या होगा प्लस, बस यही करना है। सब्सक्रिप्शन में जाओ, प्लस माइनस, जो करंट ईयर है उसका दो इफेक्ट आएगा, कितना इफेक्ट आएगा दो, आउटस्टैंडिंग है तो असेट में आएगा, एडवांस है तो लाइबिलिटी में आएगा, नहीं समझा तो लाइफ लाइन फॉलो करो, ठीक है। बट कौन से अमाउंट का, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, लास्ट ईयर का कोई सेकेंड इफेक्ट आने वाला नहीं है। उसके बाद मेडिसिन बोला है, दो अमाउंट है, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग, तो मेडिसिन के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट्स है। उसके अलावा इक्विपमेंट, बिल्डिंग है ना, कैपिटल फंड और इन्वेस्टमेंट, ये सब का ओपनिंग बैलेंस दिया था, उसको एज इट इज हम लोगों ने वहां पर लिखने की कोशिश की। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट दिया है, 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी कितना दिया है 10, यानी जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमको ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमारे लिए कोई आउटस्टैंडिंग नहीं बचा, जब आउटस्टैंडिंग तो उसका दो इफेक्ट डालने की भी जरूरत, तो ओपनिंग में 10,000 है तो क्लोजिंग में भी कितना रहेगा 10,000, 1,00,000 रहेगा सॉरी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। बाकी क्या करना है, उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया था, तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा कि माइनस, माइनस, और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां पर आता है डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन दोनों लिख देने का, फिर यू हैव टू जस्ट टेक द टोटल, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का, जो टोटल बड़ा उसको दोनों साइड लिखो,
क्रेडिट को टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करते क्या मिलेगा, सरप्लस। क्या मिलेगा? सरप्लस। सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस वहां पर जाके प्लस करो, टेक द टोटल, उसके बाद बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। समझा? ये आपका एक बेसिक सम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप नेक्स्ट लेवल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, करो।